हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने अपने कुछ सब्सक्राइबर के डिमांड पर बनाई है। इस वीडियो हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे। इस वीडियो में जिन क्रिएटर्स की हम बात करेंगे वो वाकई इंडिया में बहुत चहेते और फेमस यूट्यूबर हैं। वो फेमस हैं इसलिए टिकटॉक इंडिया ने उन्हें टिकटॉक ज्वाइन करते ही पॉपुलर क्रिएटर बैच दे दिया, और उस बैच पर उनका हक भी है क्योंकि ये लोग अपनी और अपनी टीम की मेहनत से यहाँ पर पहुँचे हैं। इन लोगों ने किसी को कॉपी नहीं किया। तो कुछ लोग जानना चाहते हैं कि क्या उनके फेवरेट क्रिएटर टिकटॉक पर भी वीडियो डालते हैं जिससे उनके फैंस उनकी शॉर्ट वीडियोस को भी एंजॉय कर सकें। तो मैंने एक 10 क्रिएटर्स की लिस्ट तैयार की है जिनमें उनके फॉलोअर्स के हिसाब से रैंक दी हुई है। एक और बात, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक कर सकते हैं या कोई भी वैल्यूएबल कमेंट कर सकते हैं, पर कमेंट में गंदी भाषा का इस्तेमाल करके खुद को और अपने परिवार को बदनाम ना करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं नंबर 10 की। नंबर 10 पर आते हैं मुंबई के यूनिक कंटेंट बनाने वाले यूट्यूबर बी यूनिक। बी यूनिक यूट्यूब पर 4 मिलियन सब्सक्राइबर तक जल्द पहुंचने वाले हैं। बात करें बी यूनिक के टिकटॉक अकाउंट की तो उनके टिकटॉक पर 100 से ज़्यादा वीडियो अपलोडेड हैं और उनके लगभग 500 के फॉलोअर हैं। बात करें उनके टिकटॉक कंटेंट की तो यूट्यूब की तरह टिकटॉक पर भी उनके वीडियो यूनिक ही होते हैं, और उनके वीडियोस को समझने के लिए आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 पर आते हैं ट्रिगर्ड इंसान, जिनका रियल नेम निश्चय मलहन है। निश्चय यूट्यूब पर एक फेमस रोस्टर हैं। कैरी मिनाती के बाद अगर कोई इंडिया का सबसे बड़ा फेमस रोस्टर है तो वो निश्चय ही हैं। निश्चय यूट्यूब पर 4 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं। कैरी मिनाती की तरह निश्चय भी जब किसी का रोस्ट करते हैं तो सामने वाले का बैंड बजा देते हैं। बात करें निश्चय के टिकटॉक की तो उन्होंने टिकटॉक पर 72 वीडियो अपलोड किए हैं जिससे उनके 600 के से ज़्यादा फॉलोअर हैं। वो टिकटॉक पर गेमिंग वीडियो, गेमिंग में लिपसिंग, डुएट में रोस्ट, चैलेंज वीडियो और रोस्ट जैसे कई तरह के वीडियो पोस्ट करते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें, मेरे द्वारा बताए गए फॉलोवर और सब्सक्राइबर वीडियो लिखे जाने तक ही हैं, आने वाले टाइम में ये बदल जाएंगे। अब बात करते हैं नंबर 8 पर मोस्टली सीन, मतलब प्राजक्ता कोहली की। प्राजक्ता यूट्यूब की सबसे बड़ी गर्ल कॉमेडी क्रिएटर हैं। प्राजक्ता के पास इसके अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट हैं। अचीवमेंट के अलावा प्राजक्ता हार्ड वर्कर भी इतनी हैं कि वो एक वीक में 3-3 वीडियो अपलोड कर देती हैं। प्राजक्ता के यूट्यूब पर 5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। प्राजक्ता यूट्यूबर बनने से पहले रेडियो जॉकी की जॉब करती थी। बात करें उनके टिकटॉक अकाउंट की तो उनके टिकटॉक पर 39 वीडियो अपलोडेड हैं। प्राजक्ता टिकटॉक पर 700 के फॉलोवर क्रॉस कर चुकी हैं। बात करें उनके टिकटॉक कंटेंट की तो वो अपने टिकटॉक पर भी ज़्यादातर ऐसे ही वीडियो डालती हैं जैसे वो यूट्यूब पर डालती हैं, मतलब खुद की वॉइस में ओरिजिनल कंटेंट। मेरा ब्रेकअप हो गया यार, उसके बिना मैं अपनी ज़िंदगी देख ही नहीं सकती हूँ। मुझे अपना फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अपने आप को उसके बिना देख ही नहीं सकती हूँ। एक मिनट, मच बेटर, सॉरी। अब बात करते हैं नंबर 7 पर हर्ष बेनीवाल की। हर्ष बेनीवाल यूट्यूब के एक फेमस कॉमेडियन हैं। हर्ष के यूट्यूब पर 8 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। हर्ष के टिकटॉक पर 29 वीडियोस हैं और उनके 700 के से ज़्यादा फॉलोवर हैं। बात करें उनके कंटेंट की तो वो ज़्यादातर कॉमेडी वीडियो ही बनाते हैं, जिनमें कुछ वीडियो उनके टिकटॉक के लिए बनाए हुए होते हैं और कुछ वीडियो यूट्यूब की क्लिप ही होती हैं। इसके साथ साथ वो डुएट और रिएक्शन वीडियो भी बनाते हैं। नंबर 6 पर बात करेंगे यूट्यूब पर इंडिया के सबसे बड़े रोस्टर कैरी मिनाती के बारे में। कैरी का रियल नेम अजय नागर है। उनकी उम्र अभी 20 ईयर है, पर उनके रोस्टिंग वीडियो यूट्यूब पर ही नहीं पूरे इंटरनेट पर अपलोड होते ही वायरल हो जाते हैं। बात करें उनके टिकटॉक अकाउंट की तो उनके टिकटॉक पर ये वीडियो बनाने तक 750K से ज़्यादा फॉलोवर हैं, जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उनके टिकटॉक पर सिर्फ एक वीडियो अपलोड है जिसमें भी उन्होंने उन टिकटॉकर्स का रोस्ट किया है जो लाइक की भीख मांगते हैं। उनके वीडियो में एक गधा है जो चिल्ला रहा है। कैरी ने वीडियो का कैप्शन दिया है, प्लीज़ सपोर्ट, बहुत मेहनत लगी है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 पर फैक्टेज, मतलब राजेश कुमार की।
राजेश का यूट्यूब पर इंडिया में सबसे बड़ा साइंटिफिक फैक्ट चैनल है। राजेश के यूट्यूब चैनल पर 13 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, जो कि एक बड़ा नंबर है। राजेश का टिकटॉक अकाउंट भी फैक्टेज नाम से ही है, जिस पर उन्होंने अब तक 170 से ज्यादा वीडियो अपलोड कर रखी हैं। राजेश के टिकटॉक पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हैं। राजेश टिकटॉक पर अपने यूट्यूब वीडियो के मेन क्लिप अपलोड करते हैं। आपको पता है कि अगर आप अपने शर्ट या अपने कपड़े पर जूम करोगे, इस जगह पर मैं अगर जूम करूं, तो ना टेक्सटाइल जो कपड़ा का है वो आपको बारीक से दिखेगा कि कैसे कपड़ा आपस में बुना हुआ है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ये कपड़ा का मैग्नीफाइड वर्जन है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पर आते हैं एंग्री प्रेस। एंग्री प्रेस भी एक तरह का रोस्टिंग चैनल ही है। एंग्री प्रेस के यूट्यूब पर 4 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। बात करें उनके टिकटॉक अकाउंट की, तो उन्होंने टिकटॉक पर 300 से ज्यादा वीडियोस अपलोड किए हैं। एंग्री प्रेस के यूट्यूब पर 1.7 मिलियन फॉलोवर हैं। वो टिकटॉक पर अपने यूट्यूब जैसे वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन वो यूट्यूब वाले वीडियो नहीं, टिकटॉक के लिए अलग ही वीडियो बनाते हैं। उनके वीडियो कई बार टिकटॉक के फॉर यू पेज में भी नजर आते रहते हैं। हेलो गाइस, मैंने सुना है कि अगर आप आईने के सामने 3 बार टेक्निकल गुरुजी बोलते हो तो टेक्निकल गुरुजी आ जाते, तो चलिए देखते टेक्निकल गुरुजी शुरू करते हैं। चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 पर एल्विस यादव की। एल्विस भी यूट्यूब के कॉमेडी वाइंस बनाने वाले फेमस यूट्यूबर हैं। वो गुड़गांव हरियाणा से बिलोंग करते हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर लगभग 6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। बात करें उनके टिकटॉक अकाउंट की, तो उनके टिकटॉक पर 100 वीडियो अपलोडेड हैं। एल्विस के टिकटॉक पर 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हैं। वो टिकटॉक पर या तो अपना ओरिजिनल वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, या वो डुएट करके दूसरे टिकटॉकर्स को रोस्ट करते हैं। इधर देखो, ऐसा घूसा मार के छाती के अंदर दीवार में जाकर चिपक जाओगे। क्या बोला हम टोपा है? ऐसे नाली में पटकेंगे ना, काले सुअर बन के निकलोगे, बदतमीज लड़के। अब बात करते हैं नंबर 2 पर आशीष चंचलानी की। आशीष इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी के एक बहुत फेमस चेहरे हैं और इंडिविजुअल यूट्यूबर्स में 2nd नंबर के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर अभी लगभग 18 मिलियन फॉलोवर हैं। उनके टिकटॉक पर 33 वीडियो अपलोडेड हैं और उनके टिकटॉक पर 2.5 मिलियन फॉलोवर हैं। उनकी टिकटॉक पर जो वीडियो है वो सारी उनकी यूट्यूब वीडियोज की क्लिप ही हैं। आशीष ने टिकटॉक इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि उनके नाम से कई फेक अकाउंट व्यूज और क्रेडिट लूट रहे थे। अरे वाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये प्राणी अपने बिल से बाहर भी निकलता है। तो आज के डिस्कवरी एपिसोड में हमको पता चला ये जानवर अपने बिल से बाहर भी निकलता है। आ जा मेरे लाल, बैठ जा, क्या बात है बेटा, हमको सिखाना। क्या? यही बेटा कि एक जगह पे 12-12 घंटे फालतू कैसे बैठा जाता है, मेरे को सिखाना बेटा। कम से कम डॉक्टर बनता तो वतन के काम आता, अभी बस बर्तन के काम आ रहा है, वो भी खाने में धोने में नहीं। अच्छा, आप तो ऐसे बात करो जैसे आपके पास 7-7 डिग्री है डॉक्टर की। हाँ तो क्या हो गया अगर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे पास कुछ नुस्खे है इस वायरस को भगाने के लिए। उधर पूरी दुनिया इस बीमारी का इलाज ढूंढ रही है और आपके पास नुस्खे कहाँ से आए आपको ये नुस्खे? व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आया मेरे को। यार इनका व्हाट्सएप बंद करवाओ कोई। छछुंदर का मूत, घोड़े की टट्टी और कुत्ते का शुक्राणु मिला के अगर इंसान सूंघ ले तो उसको ये वायरस कभी नहीं पकड़ता। अब बात करते हैं नंबर 1 पर बीबी की वाइंस, मतलब भुवन बाम की। 1 साल पहले तक भुवन यूट्यूब पर सबसे बड़े यूट्यूबर थे, लेकिन अब उनकी रैंक थोड़ी नीचे आ गई है। भुवन वन मैन आर्मी है, मतलब वो अपने वीडियोस में जितने चाहे उतने करेक्टर प्ले कर लेते हैं। भुवन बहुत हार्ड वर्कर हैं। भुवन के टिकटॉक पर 26 वीडियो में ही लगभग 3 मिलियन फॉलोवर हैं। भुवन भी अपने टिकटॉक वीडियो में ज्यादातर ओरिजिनल कंटेंट ही अपलोड करते हैं। वो टिकटॉक पर सिंगिंग, कॉमेडी वीडियो और सोशल मैसेज वाले वीडियो अपलोड करते हैं। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ फेमस यूट्यूबर जो टिकटॉक पर भी वीडियो डालते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। क्या करने गया था? बेबी यार, मैं उससे मिलने तो गया था। मिलने गया था? क्या लगती है वो तेरी? बेबी कजन लगती है यार मेरी वो। अच्छा, कजन तेरी ऐसी ना 100 कजन जानती हूँ मैं। बेबी यार क्या हो गया इतना? मेरी जैसी ना लॉयल लड़की नहीं मिलेगी तुझे यार।
ये किसका है? रेना। I can explain। तेरे बेड में क्या कर रहा है? हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें।